चलो यहाँ देखो, तो फिजिक्स पढ़ा रहे थे तुम लोग को, हाँ फिजिक्स के डेफिनेशन बताए थे तुम लोग को, याद है किसी को? फिजिक्स किसे बना कहते हैं? फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा। विज्ञान। फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब देखो, फिजिक्स जो है, इसका जो जनक है कौन है? सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक भौतिक विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। ओके। और भौतिक, देखो, भौतिक गुण के मतलब क्या होता है? अवस्था। अवस्था के मतलब है कि वह ठोस है कि द्रव है कि क्या है। ओके। उसके बाद में तापमान। तापमान, तापमान ठंडा है कि गर्म है। और उसके बाद में द्रव्यमान, हल्का है कि भारी है। आ जाओ, तो ये तीनों जो है पदार्थ के भौतिक अवस्था है, भौतिक गुण है, अवस्था, तापमान, द्रव्यमान। ओके। तो यहाँ से डेफिनेशन इसका हम तो लिखवाइए देंगे, पहले भी लिखवाए हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इतना तो सबको पता होना चाहिए, बेसिक है। चलो, लाइट पढ़ा रहे थे तुम लोग को, प्रकाश। वैसे पढ़ा दी है, एक बार देख लेते हैं फास्ट में, क्या रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, लाइट, LIGHT। और देखो, यह जो लाइट है क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा, ऊर्जा के द्वारा हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य के, सूर्य क्या है? एक प्रकाश है। और प्रकाश, सूर्य की एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? सोलर कुकर में प्रयोग कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, उससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ओके। तो ऊर्जा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। और यहाँ से प्रकाश, यह भी तो है, तरंग है। कभी कभी यह तरंग की तरह व्यवहार करता है, और कभी कभी यह कण के भांति व्यवहार करता है। क्या? कण। तो कभी तरंग और कभी कण है, इसी गुण को द्वैध गुण कहते हैं। यह प्रकाश के द्वैध गुण कहलाता है। प्रकाश का वह गुण जो कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी कण की तरह, इसे द्वैध गुण कहते हैं, प्रकाश के द्वैध गुण। अब पूछेगा तरंग में कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका पथ कैसा रहता है? अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, देखो, वेव जो होता है दो प्रकार के होता है। एक अनुदैर्ध्य होता है, जो एकदम सीधा सीधा चलता है, और एक जो होता है इस तरह से चलता है, इस तरह से। तो यह अनुप्रस्थ हो गया, यह अनुदैर्ध्य हो गया। अब यहाँ कण के रूप में जो होता है, फोटोन के रूप में गति करता है। फोटोन, फोटोन मतलब होता है, यह छोटे छोटे पैकेटों या बंडल के रूप में यह गति करता है। कौन? प्रकाश। जब कण के रूप में गति करता है, तो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गति करता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इतना तो बतला दिए थे। अब देखो, यहाँ पे और भी चीज बताए थे। प्रकाश का जो ये है पथ कैसा रहता है? सरल रेखीय रहता है, सरल रेखीय, एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। और क्या था इसमें? बस हाँ, इसका जो कुछ और भी गुण होता है, जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश के चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3×10^8, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह निर्वात में होता है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो चाल, सबसे कम जो चाल होता है, ठोस में होता है। ठोस से ज्यादा किस में होता है? द्रव में। द्रव से ज्यादा किस में? गैस में। गैस में मतलब हवा में। और गैस से सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में। निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे कोई भी कण मौजूद नहीं रहता, हवा की कोई भी कण। तो तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ, पूछे क्वेश्चन। शीशा और, शीशा, शीशा सही लिखे या नहीं लिखे? शीशा और पानी में बताओ, किस में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा? शीशा या पानी में? बताओ जल्दी जल्दी बोलो सब। देखो, अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे। शीशा क्या है? ठोस है। तो ठोस में तो कम है, जेने नोक होने छोट, तो इधर तो छोटा है। तो ठोस
शीशा ठोस हो गया मतलब शीशा में कम रहेगा और द्रव में ज्यादा रहता है, तो पानी में ज्यादा हो जाएगा शीशा में कम। अगला क्वेश्चन पूछे बताओ, हीरा में ज्यादा होगा कि हवा में ज्यादा होगा? हवा में लगा जहां हम लिखिए थे पहले। चलो ठीक है, क्योंकि हीरा ठोस हो गया तो इसमें प्रकाश के चाल कम होगा, लेकिन हवा गैस है इसलिए ज्यादा हो, ये वाला ट्रिक याद रहेगा तब। चलो ठीक है, अगला पूछते हैं एक और, पारा में ज्यादा होगा, पारा समझता पारा में ज्यादा होगा कि निर्वात में ज्यादा होगा? तो ये तो इजी है क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा होता, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ओके, चलो तो इसको मिटा दे। वेलकम, मेटन देखो कहाँ, वही तो बता रहा था। अब देखो फिजिक्स एकदम इजी होता है, सब मन बना के पढ़ो कि क्लासे में ज्यादातर कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, नहीं तो घर पे जाके याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिजिक्स एक बार पढ़ लिया बुढ़ौती तक ले याद रहेगा, बुढ़ारी तक ले याद रहेगा। सही बात कह रहे हैं, जिसको एक बार फिजिक्स आ गया, साइकिल चलाने आ गया, बुढ़ारी तक याद रहेगा। क्या चश्मा लगा के वीडियो बनाना पड़ेगा? अब इसीलिए हम लाइट की तरफ देखवे नहीं करते हैं था। तो फिजिक्स कब तक याद रहेगा? 55 तक, बुढ़ारी 55 तक रहता है। अच्छा से फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है, तुम लोग क्या करना, तुम लोग का बुढ़ौती में काम आ जाए। वैसे भी बुढ़ौती में कोई काम धंधा रहता नहीं है, क्या करना, अपने अपने बुढ़िया को कहना आओ बुढ़िया फिजिक्स पढ़ो, आओ बुढ़िया फिजिक्स पढ़ो। लड़की लोग भी कहना अपने स्वामी आइए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है, क्यों नहीं। चलो यह तो पता चल गया, अब प्रकाश क्या है कोई बताओ, प्रकाश के डेफिनेशन दो। हाँ वेरी गुड, प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु पर पढ़कर हमें उसे देखने की अनुभूति देता है, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देता है, देखने की अनुभूति। इसका पूरा डेफिनेशन बोलोगे थोड़ा सा नहीं, देखो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर हमें उसे देखने की अनुभूति देता है। चलो छोड़ कर खड़े हो जाओ, देखो मान लो कि तुम खेत में गया काम करने, वैसे दिया जाता है मानो लेकिन आया नहीं है, तो खेत में काम करते करते शाम हो गया, ठीक है, और शाम हो गया तो अंधेरिया रात है, पूरा कुछ 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 दिखाई दे रहा है भूत की तरह, चारों तरफ अंधेरा है, तुम भी भूत की तरह दिखाई दे रहा है, खाली तुम्हारा आंख चक 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 कर रहा, आंख बढ़ेगा ना। तुम जैसे ही मतलब आ रहा है घर काम करके घर से खेत से, तो क्या होगा वहां पे कि सामने कुछ दिखाई दे रहा है तुमको, अंधेरा में कुछ दिखाई दे रहा है करिया टाइप के, तो कथी है रे करिया करिया कथी है, तो गया तो तुमको लगा कि कुकुर है कुत्ता होता है, और जैसे लग में गया तो पता चला कि ये तो भैंसा है, उठा के पटक दिया उन्हें खेत में। फिर तो बताओ लाइट वहां पे तुम्हारे पास हाथ में रहता तो वह तुमको दिखाई देता कि नहीं देता? तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि लाइट जो है किसी वस्तु पर पढ़कर हमें उसे देखने की अनुभूति देता है। अगर लाइट रहता तो तुमको भैंसी पटकता नहीं, पटक बैठो। उसको नहीं समझ में आ रहा था उसीलिए स्पेशल समझा दिया। देखो लाइट सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ रहा है, बोर्ड पर पड़ रहा है, फिर इसका परिवर्तन तुम्हारे आंखों तक हो रहा है, जिसकी वजह से तुम लोग बोर्ड को देख पा रहे हो, हमको देख पा रहे हैं, है कि नहीं। देखो अगला टॉपिक तुम लोगों को बताए थे प्रकाश स्रोत, बतला रहे थे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, हटाओ ना, प्रकाश पुंज लिखते हैं, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं लाइट बीम, लड़का बोलो मत, लाइट बीम,
देखो यह जो प्रकाश पुंज है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण कैसा रहना चाहिए समूह में? सिर्फ किरण को प्रकाश पुंज नहीं कहेंगे, जब किरण समूह में रहेगा, जैसे इस तरह से बहुत सारा किरण समूह में है कि नहीं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत कोई को समझ में आता है किरण को प्रकाश पुंज कहते हैं, नहीं, किरणों के समूह को, किसके समूह को? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होता है, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी, ठीक है, और एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर, और एक होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को हम लोग क्या बोले थे? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लाइट बीम, हाँ, कन्वर्जिंग लाइट बीम, ओके, और इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल, ओके, और ये वाला हो जाएगा डाइवर्जिंग। इसमें क्या होता है? प्रकाश डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्जिंग, गलती लिख दी, चलो ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज में कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलता है, सभी किरणें किस बिंदु पर आकर मिलता है? एक बिंदु पर, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इस पर आकर मिलता है, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई या एक बिंदु से, हाँ, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तीनों का उदाहरण दिए थे तुम लोग को, इसमें लेजर गन बोले थे, लेजर, लेजर गन, हाँ, लेजर गन क्या करता है? उसका सभी किरण एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। ऐसे तुम लोग को इसका एग्जाम्पल दिए थे कि अगर किसी को गोली मारोगे तो ऐसे फोकस हो जाता है, माथा में मारना हो तो ऐसे यहाँ पे लाल बढ़ जाता है तो वहीं पे ठोक देता है, ऐसे मारेंगे, ठीक है, मान लो इसको मारे, मर गया। लेजर गन होता है, रात को ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। चलो यहाँ देखो, यह जो होता है उपयोग किस में होता है? वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में, ओके। इसमें क्या होता है, सभी किरणें समांतर हो जाता है जिससे ज्यादा दूर तक जाता है इसका वाहन के लाइट, ओके। और इसका क्या उपयोग बताए थे? स्ट्रीट लाइट में, गली वाला लाइट में, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि गली वाला लाइट चारों तरफ ऐसे प्रकाश को फैला देता है। तो इतना तो बताइए दिए थे, अब रिविजिंग कर रहा है तो थोड़ा फास्टे में करेंगे ना। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? तीनों का नाम बोलो फटाफट। इंग्लिश में डाइवर्ज, कन्वर्जिंग, पैरेलल, पैरेलल कौन बोल रहा है? देखो अगला टॉपिक तुम लोग को बताए थे, क्या चीज बताए थे कि नहीं? हाँ, प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने टाइप के होते हैं? प्रकाश के आधार पर वस्तु दो टाइप के होते हैं, एक होता है लुमिनस, एक नॉन लुमिनस। लुमिनस, लुमिनस क्या करता है कि यह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक होता है नॉन लुमिनस, लुमिनस, नॉन लुमिनस, हाँ, तो यह जो है स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त, और इसको कहते हैं अप्रदीप्त। यह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। तो इसका डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल तुम लोग को बताए थे, जैसे जलता बल्ब, जलता बल्ब, और क्या होगा? सूर्य, हाँ, दीपक हो जाएगा, दीपक तो जलते में रहता है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे, हाँ, चांद हो जाएगा तुम्हारा। चांद कैसा है? नॉन लुमिनस है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। कुर्सी,
मिट्टी इत्यादि हटाओ ना, बहुत सारा चीज है ना। तो यहाँ पर देखो चांद के विषय में भी थोड़ा सा टॉपिक था, तो हम बतला रहे थे कि चांद के पास क्या होता है, इसको इंग्लिश में मून कहते हैं। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्रॉस काट दिए मतलब नहीं होता। यह किसके प्रकाश पर चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश पर, सूर्य के प्रकाश पर। और कल बतला रहे थे कि चांद पर दाग नहीं होता है, चांद पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा हो जाता है और वही दिखता है कि चांद में दाग है, लेकिन चांद में दाग नहीं होता। उसको आके सबसे पहले सनी सर से फिजिक्स पढ़ना चाहिए, तब तब वो कहता कि हाँ चांद में दाग नहीं होता है, गड्ढा होता है, चांद में क्या है, गड्ढा होता है। ओके चलो, इतना तो सबको बतला दिए थे, अगला आगे अब पढ़ाते हैं ना, आधा घंटा इसी में खत्म हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन पूछे आप पहले। नीरज तुम खड़े हो जाओ, कल आया था ना, ओके खड़ा हो जाओ। बताओ शीशा लुमिनस है कि नॉन लुमिनस, हिंदी में बताओ, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त। यहाँ पे रह के बोलो ना, होश में तो हो तुम, शीशा में खुद का प्रकाश होता है तो अप्रदीप्त हो जाएगा, अप्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है बैठो, तुम खा रहा हो खोरे लड़का, हाँ तो तुमको क्या दर्द हो गया, भाई सी पटक दिया इसीलिए अभी लेकर आ रहा हम। चलो बताओ, पानी प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, क्यों क्यों का जवाब चाहिए हमको, बोलो, क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ओके, सूर्य के प्रकाश पर चमकेगा चाहे तू टॉर्च बारेगा, तो टॉर्च लेके जाना खेत में तू बैठ। चलो अब तुम लोगों को आगे हम पढ़ा देते हैं इसमें ना, दर्पण बताए। देखो इसमें पदार्थ के विषय में पढ़ाना है कुछ, रुक जाओ। पदार्थ प्रकाश के आधार पर पदार्थ जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हो जाता है। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, कौन सा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। और देखो एक होता है पारभासी पदार्थ, पारभासी इसमें तनी तनी देख सकते हैं, पारभासी कैसे देख सकते हैं, तनी तनी देख सकते हैं। यहाँ देखो ये वाला जो है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी पदार्थ। ओके तो देखो यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट के मतलब होता है आर पार दिखाई देना, इसके किधर से दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा। ओके वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, और इसका पारभासी का क्या कहते हैं, कथी पढ़ रही है क्या, ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, रहने दो ना। ठीक है अब देखो यहाँ पे देखो, तो ये तीनों समझ में आना चाहिए सबको। पदार्थ जो होता है प्रकाश के आधार पर तीन प्रकार के होता है, एक तो होता है कि आर पार देख सकते हैं पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है नहीं देख सकते। और यह जो होता है तनी तनी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तनी तनी मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। तो देखो
यहाँ पर पारदर्शी जो पदार्थ है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तुम लोग से पूछे। चलो राधिका तुम बता। हाँ तो खा रहा हो ना? चलो ओके। पानी बताओ क्या है, ट्रांसपेरेंट है कि नॉन ट्रांसपेरेंट? पारदर्शी है, क्योंकि पानी के आर पार हम लोग देख सकते हैं। वह भी साफ पानी हो तब, गंदा पानी कहेगा तो नहीं। बैठो, चलो तुम बताओ रे लड़की, खड़ी हो जाओ। कांच, कांच कैसा है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी? शीशा, कांच मतलब शीशा होता है, पारदर्शी है क्यों? लगता है। वेरी गुड। वेरी गुड। तो पीछा पेंट कर दिया जाता है तो वह दर्पण बन जाता है, आगे बतलाएंगे। चलो बादल तुम खड़े हो जा। चलो बताओ, तेल लगा हुआ कागज कौन सा है, तीनों में कौन है बताओ? हाँ, तेल लगा हुआ कागज के थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा फरे। तो चलो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। कांच, कांच लिख दे, पानी, पेप्सी लिख, देखो पारभाषी। इसका तीनों का डेफिनेशन याद है ना, वैसा पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी, वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे उसे पारदर्शी। इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका दीवार, बुक, ओके, लकड़ी हो जाएगा, आईना, आईना, इस आईना भी हो जाएगा। तो ठीक, तो लकड़ियों के जा, लड़की के आर पार भी नहीं देख, लकड़ी लिखना चाहिए था। तुमको लगता है हमको लकड़ी नहीं लिखना आता? देखो सलमान खान के दामाद है, अर्जुन खान भक्सुनर के दामाद, चुपचाप बैठता है रे। वो सबको देखते हैं, अजय देवगन है, शाहरुख खान है, एक और कौन है, तीनों पान बाहर के प्रचार करता है। बड़ी गुस्सा युवा के, अभी तक सुनील शेट्टी ऐसा है जो कभी भी नहीं किया, आप कहता है हम करेंगे भी नहीं, गलत चीज का प्रचार नहीं करना। पैसा के लिए कथी है, एक्टर सब पूछो कर लेता है, लोग जाए बाहर में, अपना काम बनता बाहर में जाए। वाह वाह क्या बात। चलो यहाँ देखो इसका एग्जांपल बताओ, हो गया। हाँ, चप्पल के भी प्रचार कर, हाँ, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ध्यान से देखो इसका एग्जांपल हम पूछेंगे। ओके, और भी क्या कुछ हो सकता है इसमें? सूती कपड़ा हो जाएगा, सूती कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मच्छरजाली, मच्छरजाली किसमें आएगा बताओ? हाँ देखो, वो घूंघट बना रही है, ठीक है, अच्छा, गुड आइडिया, घूंघट बना रही है गुड़िया, ठीक है, देखो सही है। घूंघट में दुल्हन को देखती है, घूंघट में ऐसे घोक तंगले तंगले देखती है कि चीन लेती है कि ये मेरे ससुरा है, ये मेरे भाईसुरा है, और ये मेरे वो है, चीन लेती है कि नहीं, इतना पढ़ ले घूंघट कर ले रहा। तो ठीक है, घूंघट हो जाएगा इसमें। नहीं ये
तो तीनों समझ में आ गया। वैसा पदार्थ जो पार जिसके आर पार देख सकते उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिसके आर पार तनी तनी देख सकते हैं उसे पारभाषी। अब तनी तनी मत लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना, ये भोजपुरी में है। ओके चलो दर्पण पढ़ा देते, थोड़ा सा टाइम है। कथी ले हो जाएगा। चलो दर्पण बता देते तुम लोग को। दर्पण तीन प्रकार के, दर्पण बताते हैं। दर्पण, दर्पण जो होता है हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। और उर्दू में आईना कहते हैं। आईना, आईना बोलते हैं। ठीक है, दर्पण हो गया, मिरर या आईना बोलो, कांच नहीं बोल सकते। देखो दर्पण कैसे बनता है, हाँ ऐसे मान लो कि यहाँ पे दर्पण है, शीशा है, ऐसे पकड़ के देखो इसके पीछे जो होता है, ऐसे रहता तो हम बता देते। पीछे से पेंट कर दोगे कोई भी कांच को तो वह दर्पण बन जाएगा। कोई कांच है ठीक है, जिसके आर पार दिखाई दे रहा है, उसका अगर पीछे से पेंट कर दिया जाए तो वह आईना बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब देखो दर्पण जो है यहाँ पे तीन प्रकार के पढ़ना, कितने प्रकार के? तीन। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण इसको कहते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इसको कहते हैं राउंड मिरर। गोल मतलब क्या होता है? राउंड मिरर। और एक होता है परवलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? परवलीय दर्पण, परवलीय, परवलीयक भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, परवलीय दर्पण। ठीक है ला छूट गया, परवलीय ऐसे बोल सकते हैं, परवाली कोई बात नहीं। तो परवालीय दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? थोड़ा हटाओ, इंग्लिश के गोले मारो। चलो यहाँ देखो समतल दर्पण, यहाँ समझो तो डेफिनेशन, वैसा दर्पण जिसका सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परवर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परवर्तक सतह परवलीय होता है उसे क्या कहते हैं? परवलीय। अब बहुत कोई को समझ में नहीं आ रहा होगा कि परवलीय क्या होता है। परवलीय मतलब होता है अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। नहीं यह पूर्ण रूप से गोला रहेगा ना पूर्ण रूप से पचका रहेगा, यह अंडा की तरह रहेगा। ठीक है, लंबा थोड़ा सा रहता। तो देखो यहाँ पे हम समतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समतल दर्पण। इस तरह से पीछा पेंट कर देते हैं, इसे पेंट कर दिए। यह एमएन समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसमें तुम लोग अपना चेहरा देखते हो। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इस तरह से होता है, इसमें भी दो टाइप के हो जाता है, इसमें भी दो टाइप के, तो इसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण ऐसे बना सकते हैं, हाँ गोल बना सकते हैं, डॉट 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 करके ऐसे ले आते हैं इधर, थोड़ा सा परवलीय बन जा रहा है ना। चलो कौन, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका पीछा हमेशा जो होता है, इसका पीछा पेंट होता है, अच्छे बायां हो गया कि दाहिना? बायां साइड, इधर बायां हो गया, बायां साइड। देखो यहाँ भी अगर परवलीय दर्पण बनाते हो तो इस टाइप के हो जाएगा दर्पण। क्या बन रहा है? ठीक है, इस तरह के दर्पण रहता है, समझो। यहाँ पर समझो तो दर्पण को हमेशा, यहाँ पर एक चीज नोट करते चलो, ये चीज दर्पण के हमेशा पीछा पेंट किया जाता है। पीछा, पीछे का मतलब है बाई बाई तरफ, बाई तरफ। देखो जैसे कि यहाँ पे कोई दर्पण है, यह गोलीय दर्पण है, इसका कहाँ पेंट करेंगे? इधर पेंट करेंगे कि इधर? हमेशा बाया साइड में इधर पेंट करेंगे। इधर पेंट करेंगे तभी ना इधर से कोई अपना चेहरा देखेगा ना। तुम मान लो कि इधर पेंट कर दिए तो उधर से दिखाई देगा नहीं, वो हमेशा पीछा पेंट किया जाता है। ओके, अगर एक
और दर्पण बनाते हैं तो बताओ इसमें कहाँ से पेंट होगा, बाया कि दाया? बाया दाया बोलो ना, बाया कि दाया? बाया, बाई तरफ देखो ना, बाई तरफ पेंट करते हैं, इधर से पेंट करेंगे। और यहाँ पे एक और दर्पण बनाते हैं, बताओ इधर पेंट होगा कि इधर होगा? इधर होगा, बाया इधर है तो इधर से पेंट कर दो, यह दर्पण हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी इतना ही याद रखो कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, आगे हम बताते हैं। चलो सबसे पहले समतल दर्पण बता देते, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, समतल, गोलीय, परवलीय। ओके, इंग्लिश में दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। समतल दर्पण को प्लेन मिरर, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को राउंड मिरर, और परवलीय दर्पण को नहीं बताया। चलो यहाँ देखो, तो समतल दर्पण देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण। अब यह जो दर्पण है, प्लेन एंगल, प्लेन मिरर, हेलो यहाँ ध्यान दो, प्लेन मिरर जो है, सबसे पहले यह दर्पण बनता है किस चीज से? तो यह बनता है ग्लूकोज से। किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज एक पदार्थ होता है जो ऊर्जा के भी कार्य करता है। ओके, तो ग्लूकोज से बनता है। अब देखो, उसी से बनता है दर्पण। किससे बनता है? ग्लूकोज से। और भी पदार्थ मिला करके इसमें बनाया जाता है। अब पूछेगा इसके साइड में किस चीज का पेंट किया जाता है, तो चांदी का, चांदी के पतली परत का पेंट होता है। अब यहाँ से पूछेगा, देखो कोई दर्पण है यहाँ पे, समतल दर्पण, तो इसके पीछे पेंट करेंगे तो किस चीज का पेंट करेंगे? चांदी के पतली परत जो होता है, उसका ऐसे लेप लगा देते हैं और ऊपर से पेंट मार देते हैं, तो बहुत फ्रेश दिखाई देता है। सिर्फ पेंट पोत देगा तो दिखाई देगा नहीं, पहले एक चांदी का पतली परत लेप ऐसे लगा देते हैं, फिर पेंट मार देते हैं, तो वह असली चांदी के पानी। तो इस तरह से दर्पण बनता है। देखो यह दर्पण है, पहले कांच ले आओ, क्या ले आओ? अब देखो ये दर्पण बना बना के बेचेगी वैसे आइडिया अच्छा। देखो कांच ले आना, खरीद के काटने वाला होता है, काट लेना और यहाँ से इसको पेंट पोत देना, चांदी के पानी आता है उससे पोत देना इसको, और सूख जाएगा तो इसके ऊपर पेंट पोत देना, इधर से पेंट कर देना, ब्लू चाहे ब्लैक, व्हाइट भी कर सकते हो, लाल मत करना। हाँ हल्का कलर, उसका कंट्रास्ट ज्यादा रहता है, इस पार से उस पार दिखाई देने लगे। चलो यहाँ देखो, तो समतल दर्पण से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ए लड़का इधर ध्यान दो, अब मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, LIGHT। देखो परावर्तन के मतलब क्या होता है? परावर्तन के मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, प्रकाश का टकरा के वापस आ जाना, वापस लौटना, वापस लौटना। परावर्तन के मतलब क्या होता है? तो प्रकाश का टकरा के वापस लौट आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब कोई समतल दर्पण है, यहाँ समझो, तो कोई समतल दर्पण है MN, नाम रख देते हैं MN, तो ऐसे प्रकाश इस पर पड़ेगा, प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो क्या इधर से छेद के निकल जाएगा? नहीं, यह ऐसे टकरा करके वापस उसी दिशा में, मतलब उसी माध्यम में लौट जाएगा, नीचे वाला माध्यम में नहीं आएगा, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ओके, ऐसे आया प्रकाश, हाँ इस तरह से टकरा करके वापस लौट जाता है। लड़का देखो इधर,
आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को जापतित, परावर्तित बोलते हैं। देखो तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं, किस चीज से? ऐसे छोड़ दो, अभी मत सूचित करो। देखो बीच में इसके अभिलंब होता है, बीचों बीच क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब कोई किरण नहीं होता है, यह क्या करता है कि दोनों माध्यमों को अलग करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है। अभिलंब क्या करता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है, यह कोई किरण नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। ये कोई, चलो यहाँ से हम ऐसे कर देते, ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ऐसे इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ओके, तो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम आता है। कई गो नियम आता है? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, चलो तो थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पे और समझ लो। आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब मान लो MN है, MN तो मान लिया है, इसको मान लो पी क्यू, कुछ भी मान सकते हो। अभिलंब क्या है? पी क्यू है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, हाँ, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया कोण कौन सा कोण होता है? आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया कोण परावर्तन कोण होता है, जिसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इसको आर से सूचित करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को किस चीज से? आर से। इंसिडेंट एंगल को आई से सूचित करते हैं। तो बस याद रखना है, अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना कोण आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण परावर्तन कोण आर। ठीक है, यह होता है। तो यहाँ से परावर्तन के नियम निकल के आता है। परावर्तन के नियम क्या कहता है? देखो परावर्तन के नियम कहता है जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण रहेगा। मान लो 50 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 50 डिग्री। यहाँ पे कहता है आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर के। ठीक है, यह कहता है। एगो नियम समझ में आ गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन ऐसे आपतन बिंदु लिख देते हैं। चलो दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, चाहे समतल में होते हैं। देखो एक ही बिंदु पर है तीनों, आपतित किरण इसी बिंदु पर है, परावर्तित किरण इसी बिंदु पर है और आपतन कोण इसी बिंदु पर है। तो लिखेंगे दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही यहाँ पे लिख दे तल में होते हैं, समतल में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, समतल में होते हैं, यह दूसरा नियम है। तो ये सब जितना भी पढ़ा है वो सब पूछो नहीं पूछेगा, तुमसे प्रकाश के परावर्तन के नियम जरूर पूछता है। तो ये चीज याद रखना, ये VBI है, बहुत VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो तो यहाँ से तुम लोग से पूछे, देखो प्रकाश का टकरा के वापस लौट आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो इसका डेफिनेशन ऐसे नहीं देना है, इसको कैसे लिखना है देखो। प्रकाश किरण जब किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो प्रकाश किरण जब किसी चमकीली सतह पर, चमकीली सतह क्या है? दर्पण है। जब प्रकाश किरण चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह टकरा कर वापस लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कई गो नहीं है, दो गो। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। ओके, तो यह दोनों नियम याद रखना, क्योंकि बार बार पूछता है। अब देखो यहाँ देखो, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कौन होता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से। परावर्तन कोण को आर से। ओके, बस आज के लिए इतना ही रहने।